मिट्टी तो मिट्टी है आखिर, जलाई जाए या दफनाई जाए, जो मिट्टी से बने हैं हम तो किसी काम तो लाई जाए। कुछ नहीं मालूम मैं क्या करने जा रहा हूँ, बस इतना मालूम है साला कुछ तो करने जा रहा हूँ। वैसे कुछ लूंगा मैं, बिल्कुल वैसे कुछ लूंगा इस हरामी को जैसे भाई जान तो कुछ ला गया था। चला के साली भाई, नहीं शेखर है इसका नाम। पूरा गांव खत्म करके भी कैसे ही पड़ा तुम लोगों को? मैं रिपोर्टर शेखर कुमार, कैमरामैन प्रताप शर्मा के साथ मेरे भारत मान के महान नागरिकों से पूछना चाहता हूँ कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है। गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कश्मीर जैसे 28 जलते हुए कमरे हैं हमारे इस घर में, जिसकी नेम प्लेट पर लिखा है मेरा भारत मान। अरे जहाँ का किसान 5,000 रुपए के लिए अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेता है, वो मेरा भारत महान। इंडिया शाइनी माय फुट। जहाँ अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी गांधी की मौत हिंसा से होती है। परिवार को छोड़ दो, जाके प्राइम मिनिस्टर खुद अपने ही बॉडीगार्ड के हाथों मारी जाती है। अरे 125 करोड़ में ज्यादातर गरीबी रेखा के नीचे, वो मेरा भारत महान। इंडिया शाही माय फुट। अब तुम लोग भगवान के नहीं बल्कि अल्लाह लास्ट हो जाए यह साला कसाब कॉकरोच की तरह हमारे घर में घुसा है तो मरने वालों के शोक में 2 मिनट का मौन मौन रखने की जरूरत नहीं है, मौन तोड़ने की जरूरत। क्या कसूर था हमारा? क्या कसूर मारे? अरे यूपी बिहार महाराष्ट्र आपस में लड़ते हैं, मुझे क्या? उड़ीसा में नक्सलवाद के नाम पर 500,000 जाने गई, मुझे क्या? मैं मेरा भारत महान की फटी चीथड़ों से लिपटी चादर ओढ़े खड़ा हूँ, सेफ हूँ, एकदम खुश हूँ। ऐसा कब तक चलेगा यार? अपने घर में बेडरूम में सो रहे, किचन में सिलेंडर फट जाए, ये आपके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन देश के किसी हिस्से में बॉम्ब फट जाता है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, बच्चे बूढ़े जिंदा जल जाते हैं, ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, एक न्यूज है। न्यूज है ये मौत शोर से नहीं डूब सकता। कुछ सोचो यार, कुछ सोचो।